नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू आप एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन पर और बहुत ही खूबसूरत सी राखी मैंने तैयार की है, आटे की राखी तैयार की है। आप भी देखिए आटे से कितनी ही खूबसूरत राखी तैयार हो सकती है। चलिए हमारे साथ टाइम को बर्बाद ना करते हुए ये राखी तैयार करिए। हाँ, चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा, ताकि आपको रेनू का चैनल जरूर देखने को मिल सके, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर बनाते हैं हमारी ये राखी आटे से, बहुत ही खूबसूरत सी। त्रिकलर आटे की राखी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने ये सना हुआ आटा लिया है, गुंदा हुआ थोड़ा सा हमने आटा लिया है। उसे हम कुछ यूँ सर्कल शेप में रोटियों की तरह बेल लेंगे। मेरे पास बच्चे का छोटा सा बेलन रखा हुआ था, मैंने उससे बेल लिया है। आप किसी से भी बेल सकते हैं, पेन ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, डंडी ले लीजिए। छोटा सा ही तो बनाना है यार, बन जाएगा बहुत आराम से। ये हमने फिर उसके बाद हमें इसे ट्रिकलर शेप में कट करना है। नाइफ से मैंने कट कर लिया है, आप स्पून से भी कट कर सकते हो, बहुत ही इजीली कट हो जाएगा। मैंने इसे कट कर लिया है, ये देखिए हमारा ये बहुत ही इजीली कट हो जा रहा है। ये देखिए हमारा ये ट्रिकलर शेप में बहुत ही इजीली कट हो गया है। ये हमने इसे इसके अदर पार्ट्स को निकाल दिए हैं, ये हमारा हो गया है। अब हम इसे 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे, ताकि ये थोड़ा टाइट टाइट सा हो जाए, क्योंकि आटा है तो थोड़ा सूखना पड़ेगा इसे। जब ये सूख जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल स्टोन शेप में आ जाएगा ये हमारा। ये हमने इसे 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए रखने के लिए इसमें दो होल हम बना लेंगे, पेन या पेंसिल किसी भी चीज़ से। आप भी ऐसा ही बना लीजिएगा, ताकि इसमें हमारा धागा आराम से जा सके। मैंने दोनों साइड से इसमें होल बना लिया है। गीले में बना लोगे तो बहुत ही इजीली बन जाएगा, नहीं तो इसे टूटने का डर रहेगा। ये हमारा बन गया है, अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा ये सूख गया है, बहुत ही बढ़िया से सूख गया है। अब हम इस अपनी राखी चलेंगे तैयार करते हैं। इसमें ट्री कलर राखी हम बना रहे हैं, तो हमने ट्री कलर इसमें करना है हमारा केसरिया, वाइट और ग्रीन। ये दोनों हमारा बढ़िया से हम ऊपर साइड सैफ्रॉन कलर कर देंगे, बीच में वाइट कर देंगे और लास्ट में ग्रीन कर देंगे, जिससे हमारा ये ट्रिकलर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा तीनों कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे की तैयारी करते हैं। धागे में हमने दोहर कर और उसमें मोतियाँ डाल ली है। एक एक मोतियाँ अच्छे से हमने डाल ली है। मैंने मोतियाँ छोटी छोटी ली है, आप बड़े बीट्स भी ले सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब हमारी राखी में किनारे किनारे मोतियाँ दिखेंगी। ये हमारी मोतियाँ डल गई हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हमारे बीट से डल गए हैं। अब हम आटे के जो हमने होल बनाए थे उसमें हम अपना ये धागा डालेंगे, क्योंकि मैंने डबल साइड से डाला है इसलिए गांठ बांधने में मुझे बहुत ही आसानी होगी, और मैं इधर से डालकर उधर से बढ़िया से गांठ लगा लूँगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं वॉइस नहीं डालूंगी, अपनी म्यूज़िक डालूंगी, लेकिन हमें लगा कि अगर हम म्यूज़िक डाल देंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, स्किप हो जाए, इसलिए मैंने अपनी वॉइस डाली है। और हाँ, अगर आपको मेरा ये राखी वाला पोर्शन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। ये देखिए हमारा ये दोनों में धागे डल गए हैं और बढ़िया से हमारी ये गांठ लग जा रही है। ऐसे ही अगर आप डालेंगे तो आपकी भी गांठ बहुत अच्छे से राखी में लग जाएगी। ये देखिए हमारा ये राखी का गांठ बन गई है। हमने ये सारी मोतियाँ अब इधर खिसका दी हैं राखी के पास। ये हमारी राखी तैयार हो गई है। वाह, बहुत ब्यूटीफुल। और भाई अगस्त चल रहा है तो ट्रिकलर राखी का तो बिल्कुल ट्रेंड में है ये। हमने इसमें आई लव माई इंडिया लिखा है। अगर आपको कुछ और लिखना हो, या ब्रो लिखना हो, या ब्रदर लिखना हो, या भाई लिखना हो, या ट्रिकलर का अशोक चक्र बनाना हो, तो आप ये भी कर सकते हैं।
चलिए हमारा ये देखिए पोर्शन लिख उठा है। ये देखिए मेरी राखी तैयार है, मैंने अपने हाथों में यूं इस तरह से डाली है। देखिए कैसी लग रही है आप बताइएगा ज़रूर। ये राखी बिल्कुल यूनिक सी है, हैंडमेड है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और भाई रेडीमेड लुक दिखाना है तो इसमें आप थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा वो डल लग रहा था तो इसमें मैंने ब्लैक ब्लैक से आउटलाइनिंग कर दी, आप चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। देखिए हमारी ये बिल्कुल रेडीमेड राखी जैसी तैयार है, कोई कह ही नहीं सकता है कि ये आटे की राखी है। और मैंने इसे मार्केट वाला लुक देने के लिए मेरे पास मोबाइल का एक थर्माकोल रखा हुआ था, मैंने उसे यूज़ किया है और मैंने उसी में इसे बांध दिया है। आपके पास भी कुछ ऐसा हो, आपके पास यदि नहीं है तो एक और ऑप्शन है, आप इसे कागज़ में भी, एक मोटे से कागज़ या कार्ड में भी आप ऐसे यूं इस तरह से बांध सकते हैं, जिसे आप रेडीमेड लुक दिखा सकते हैं। और बाकी हैंडमेड राखी हैंडमेड होती है भाई, बहुत ही खूबसूरत लगती है। पसंद आई हो तो लाइक करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हमने इसे पन्नी में डाल दिया है और ये हो गई है हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी। पसंद आई ना दोस्तों? आई एम श्योर पसंद ज़रूर आई होगी। चलिए फिर जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये राखी और लोगों तक पहुँच सके। ट्रिकलर राखी है भाई, आप बनाइए और हमें भी बताइए कैसी बनी थी। देखिए मेरे हाथों में, मैंने तो इसे पहनकर ट्राई भी कर लिया है, मेरे हाथों में बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये तो बिल्कुल ब्रेसलेट और राखी दोनों का लुक दे रही है। आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और जल्दी से चलिए आप भी बना लीजिए भाई। ये देखिए वाव ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारी ये राखी। इस राखी में बहुत ही खूबसूरती है, इसे ना मार्केट जाने का झंझट ना कुछ। हाँ जी पसंद आई ना? पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें। और मैंने शायद एक राखी वीडियो पर बनाई थी एक बार, कलावा से संबंधित, कलावा की राखी बहुत ही खूबसूरत बनी थी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पड़ी होगी। आप अगर कलावा की राखी बनाना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगी। बाय बाय।